चेचनामी के सीक्रेट कैंप में पहुंचा है टीवी 9 भारतवर्ष। चेचनामी के बेस कैंप से टीवी 9 भारतवर्ष की रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, जहां चेचनामी की वॉर तैयारियां कैमरे में कैप्चर की गई हैं। यूक्रेन में रूस के लिए चेचनामी लड़ रही है, किस तरह से वो खुद को तैयार कर रही है वो भी देखिए। हम आपको दिखाते हैं वो खूंखार चेचनामी जिसकी चर्चा पूरी आप ये चेचनिया के ग्रोजनी से दूर स्थित उस बेस कैंप में जहां पर है, और यहां पर आप देखिए इनको किस तरीके से तैयार किया जाता है। इन्हीं खूंखार चेचन आर्मी को सब जगह चर्चा होती है कि ये इतने बर्बर हैं, ये इतने खतरनाक हैं कि इनके किसी शहर में पहुंचने के बाद लोग कांपने लगे। इनके किसी शहर में जाने के बाद ये किसी भी हद तक बर्बरता तक गुजर जाते हैं। और आप देखिए कि इनको इस तरह से आप भारत में NSG कमांडो और दूसरे और स्पेशल फोर्सेस को देखते हैं, उसी तरह से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन चेचन आर्मी को और उनको जो यहाँ पर ट्रेनिंग ऑफिसर्स को। और ये लोग यहाँ पर देखिए यहाँ टारगेट पर यहाँ निशाना साध प्रैक्टिस हो रही है। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये बहुत ही सीक्रेट जगह है, और इसी जगह पर यहाँ खूंखार कमांडो की ट्रेनिंग हो रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं, निशाना सामने है, और निशाना साधने के लिए इंस्ट्रक्टर लगातार इन्हें बता रहे हैं कि प्रैक्टिस चल रही है खूंखार चेचन आर्मी की, उस आर्मी के बारे में जिसको लेकर अमेरिका यूरोप लगातार कहती है कि वो डोनबास यूक्रेन के जिन इलाकों में इनकी पोस्टिंग होती है यहाँ वो कहर ढाते हैं, वहाँ वो बर्बरता की उस हद तक जा सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जरा देखिए कि इनकी किस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है, इनकी ट्रेनिंग को हम आपको दिखाने की कोशिश तैयार किया जा रहा है ताकि अगर नाटो फोर्सेस से लड़ना हो या यूक्रेन की फोर्सेस से लड़ना हो वहाँ पर पोस्टिंग की जा सके, वहाँ पर ये लड़ सके। और इनके लिए यहाँ पर इन्हें एडवांस ट्रेनिंग दी जा रही है। और हम आपको टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे पर चेचन आर्मी के उस स्पेशल कमांडोज को दिखा रहे हैं। इनकी प्रैक्टिस देखिए, इनके इनकी जो ट्रेनिंग है उनको देखिए, और ट्रेनिंग कैंप के इन हिस्से को देखिए, और आपको अंदाज़ा लगेगा कि आखिरकार क्यों चेचन आर्मी की पूरी दुनिया में इतनी चर्चा होती है। तो ये है चेचन आर्मी का कैंप जहां पर पहुंचा टीवी 9 भारतवर्ष और उन्हें ट्रेन करती हुई तस्वीरें। चतुर्वेदी सर, इन्हीं तस्वीरों पर आपसे रिएक्शन चाहूंगी। जिस तरह से युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है और चेचन फाइटर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं इसकी खबरें रोज हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच में ट्रेनिंग की ये तस्वीरें ये बताती है कि चेचन फाइटर्स को कितना अग्रेसिवली फाइट करने के लिए और ट्रेन करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि दूसरी तरफ से काउंटर अटैक्स भी हो रहे हैं। पूर्णिमा बिल्कुल सही कह रही हैं, ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कैंप है वहाँ पर, और वॉर के दौरान ऑल ट्रेनिंग सेंटर्स एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि जवानों की ज़रूरत होती है, रिक्रूट्स की ज़रूरत होती है, वो सब करते हैं। नॉर्मल कोर्स में 9 मंथ्स के करीब एक सोल्जर को ट्रेन करने में लगते हैं, वॉर टाइम में 3 से 4 महीने तो मिनिमम लगने चाहिए। आपने जो कहा कि खूंखार और बर्बर, उनका एज अ ट्राइब हो सकते हैं लेकिन जब वो सोल्जर बन जाता है तो सारे सोल्जर बराबर हैं। नहीं, यूक्रेन वॉर में ये भी कहा जा रहा है जनरल चतुर्वेदी कि चेचन लड़ाकों का जो खौफ था वो इस यूक्रेन वॉर में खत्म हो गया, जिस तरह से यूक्रेन ने उनका सामना किया। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि एज अ सोल्जर ऑल आर इक्वल, दे आर ऑल सोल्जर्स। ये नहीं है कि वो बर्बर हैं तो यहाँ भी बर्बरता दिखाएंगे, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल सोल्जर ही सपोज टू फॉलो द रूल्स ऑफ द वॉर। लड़ाई के जो नियम है, जो नैतिकता है की बात है, ह्यूमन की एस्पेक्ट्स हैं, वो सब उनको फॉलो करने। बिल्कुल, चेचन फाइटर्स की किस तरह से ट्रेनिंग हो रही है ये हमने आपको दिखाया, क्योंकि चाहे बूचा की बर्बादी हो या मरियोपोल पर कब्जे की बात, चेचन फाइटर्स का बड़ा अहम रोल रहा है ये हम और आप जानते हैं। और यही वजह है कि मनीष झा पहुंचे एक ऐसे कैंप में जहाँ चेचन फाइटर्स को ट्रेन किया जा रहा था, ताकि तस्वीरें आप तक पहुँच पाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।